यूपी हाथरस में कथित गैंगरेप के मामले में सीबीआई जांच का आज सातवां दिन है। लगातार छह दिन तक सीबीआई पीड़ित और आरोपियों के परिजनों, गांव के लोगों से पूछताछ करने और घटनास्थल देखने के बाद अब सातवें दिन सीबीआई टीम अलीगढ़ पहुंच गई। यहां आने से पहले सीबीआई ने पाँच पाँच लोगों की दो टीमें बनाई। पहली टीम अलीगढ़ जेएन मेडिकल कॉलेज में हाथरस की बेटी का इलाज करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ किया, तो वहीं दूसरी टीम जेल पहुंचकर चारों आरोपियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की। इससे पहले सीबीआई ने अपनी जांच के छठवें दिन घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने वाले छोटू और एक अन्य युवक से पूछताछ की थी। सीबीआई टीम ने अलीगढ़ रोड स्थित अपने कैंप कार्यालय में बैठकर ही जांच को आगे बढ़ाया था। एक आरोपी रामू के साथ चंदपा के पास ही चिलिंग प्लांट पर काम करने वाले गांव के एक युवक और घटना स्थल पर सबसे पहले पहुंचने का दावा करने वाले युवक छोटू को सीबीआई ने बुलाया था। दोनों से यहां थोड़ी देर पूछताछ की गई। यहां से दोनों गांव वापस आ गए। अब आज सीबीआई ने सर्विलांस टीम से कुछ रिकॉर्ड मंगवाए हैं। उधर 14 सितंबर को जिस बाजरे के खेत में यह वारदात हुई थी, उसके मालिक ने योगी सरकार से 50,000 रुपए का मुआवजा मांगा है। खेत मालिक का कहना है कि इस घटना के बाद उसकी बाजरे की फसल में पुलिस ने पानी नहीं लगाने दिया। किसान ने कहा कि पुलिस काफी दिन तक सबूत होने की बात कहती रही, जिससे फसल की सिंचाई नहीं हो पाई। अब सीबीआई ने कहा है कि फसल काट सकते हो, लेकिन फसल टूट गई है। कम से कम 50,000 का नुकसान हुआ है, लिहाजा मुआवजा दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट।